बाबूजी बाबूजी। हाँ बेटे। भूख लगी है बाबूजी। रुक बेटे, मैं खाना बनाता हूँ। बेटे घर पे रुकना, मैं घर का राशन का सामान लेके आ रहा हूँ। ठीक है बापूजी। राम राम सेठ जी। राम राम। राम राम भाई। राम राम। बोलो क्या चाहिए? सेठ जी एक आटे का कट्टा चाहिए। पैसे लाए हो? सेठ जी पैसे अभी नहीं है, लॉकडाउन के बाद में दे दूंगा। सेठ जी जाओ यहाँ से, सुबह सुबह आ जाते हैं बुनी के टाइम पे। निकलो यहाँ से, कोई आटा वाटा नहीं है यहाँ पे। बापूजी बापूजी खाना लाए क्या? बहुत भूख लगी है। कोई खोट ना, कोई मेहनत ना कमाए रोटी, किसे नु चैन दी नींद सवाए ते किसे नु रातां में जगाए रोटी, पुत्तां नु मावा तो दूर लेके जाए रोटी। अरे भागो रे, पुलिस आ गई। अरे साहब, अरे पकड़े साहब, पकड़ मार इसको। अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब मत मारो साहब, अरे साहब मत मारो साहब, थोड़े से। तुम लोगों को कितनी बार समझे, लॉकडाउन चल रहा है उसके बावजूद तुम लोग घर पे नहीं रुक सकते। तुम्हें पता है धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद तुम चार पांच लोग एकते होके एक जगह काम कर रहे हो। अरे साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे काम करने से ही मेरे घर का गुजारा चलता है साहब। हम लोग तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, लेकिन तुम लोग एक जगह इकट्ठे होके काम क्यों करते हो? गलती होगी साहब। ठीक है जाओ यहाँ से, आगे से ध्यान रखना। मेरे काम करने से ही मेरे घर का गुजारा चलता है साहब। आज मेरी वजह से कोई भूखा सोएगा, मैं किसी को भूखा रख के खुद कैसे खाना खा सकता हूँ? साहब मैं घर से बाहर नहीं गया साहब। अरे काका हम लोग जानवर नहीं हैं, हमारे अंदर भी इंसानियत बसती है। आप लोगों को मार के हमें खुशी नहीं मिलती है,
लेकिन हम अपने फर्ज से मजबूर हैं। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग घर पे रह के इस देश को महामारी से बचाएं। हमें बताएं, आज देश का हर मजदूर इस मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, लेकिन घर पे रुकना ही इस महामारी का उपचार है। बताओ लो काका, ये कुछ राशन का सामान। अरे काका नहीं, आज तक हम लोग आप लोगों को चोर और रिश्वतखोर समझते थे, लेकिन आज उन्हीं पुलिस वालों और डॉक्टरों की वजह से हमारा देश इस महामारी से बचा हुआ है, वरना आज इस देश की जो हालत होती वो कोई सोच भी नहीं सकता। भगवान भला करे आप लोगों का, जो अपने जान की परवाह किए बिना पूरे देश की सेवा कर रहे हो। जिसके दिल में दर्द न हो, जो किसी के गम को बांटे, बस वही इंसान है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपके जो आसपास में जो गरीब लोग हैं उनकी लॉकडाउन के दौरान मदद जरूर करें। जय हिंद जय भारत।